हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं और उसको सॉल्व भी करने वाले हैं। अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि बैटरी बैकअप नहीं देता है, तो उन प्रॉब्लम को आज ठीक करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, लुमिनस का इन्वर्टर है, 1150 VA का इन्वर्टर है। आप देख पाओगे यहाँ मेन ऑन है और इको मोड ऑन है, यानी ये इन्वर्टर ऑन है, बट चार्जिंग देखो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। चार्ज नहीं शो करने का मतलब होता है कि बैटरी चार्ज है। ये अभी देख रहे हो इन्वर्टर ऑन है, इको मोड आप देख पा रहे हो, इससे पता चलता है कि इन्वर्टर ऑन है। हम क्या करते हैं, इसको पहले ऑफ करते हैं। देखो ऑफ करते हैं तो इको मोड हट जाता है। हम फिर से इसे ऑन करते हैं, फिर से ऑन करने पर ये देखो इको मोड आ जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि इन्वर्टर ऑन है। अब चार्ज देख पा रहे हो, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। अभी आप देख रहे हो ये बैटरी जो लगा हुआ है, 220 AH का बैटरी लगा हुआ है इस इन्वर्टर में, 1150 VA वाला इन्वर्टर में। ये देख रहे हो 60 मंथ इसका वारंटी है। और मैं आपको बता दूं कि ये इन्वर्टर को लिए हुए लगभग 1 साल हुए हैं। इन्वर्टर और बैटरी सारा जो लिया गया है वो 1 साल पहले ही लिया गया है। आप देख पा रहे हो ये ट्यूबलर बैटरी है लगा हुआ, इसमें लॉन्ग बैकअप वाला बैटरी है। पहले आप देख लो ये जो मैं दिखा रहा हूँ बिल, इसमें देख लो ये जैसे कि बैटरी और इन्वर्टर का परचेजिंग जो नंबर है, बार कोड सारा दिया हुआ है। ये देखो डेट दिया हुआ है 4/10/19, लगभग 1 साल हो रहे हैं, 1 साल 2 महीने 3 महीने के आसपास मान लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो ये जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 2 अगस्त को मैन्युफैक्चरिंग किया गया, ये बार कोड है। इससे पता चलता है कि लगभग 1 साल हुआ है इन इन्वर्टर और बैटरी का। लेकिन ये जो इन्वर्टर और बैटरी है इसका मेन प्रॉब्लम क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो मेन है, मेन को मैं ऑफ करता हूँ। अभी आप देखना, जैसे कि मेन को हमने ऑफ कर दिया, आप आवाज़ सुन पाए। देखो ये बीप का आवाज़ आ रहा है, ये बीप का आवाज़ तब आता है जब मेन का कनेक्शन बंद हो जाता है या ऑफ कर दे देते हैं तब। तो ये इको मोड चल रहा है। मोस्टली घरों में इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम तो आता ही है कि बैकअप नहीं देता है। जो इन्वर्टर है, जो बैटरी है, वो बैकअप नहीं दे पाता है घरों में। तो उनका मेन रीज़न क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाया भी है, अपलोड कर चुका हूँ। तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए बताऊँगा मैं। तो ये बैकअप नहीं देता है तो हम कैसे पता करें कि प्रॉब्लम किस में है, बैटरी में या इन्वर्टर में? तो उस प्रॉब्लम को पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम किस में है, फिर उसका सॉल्यूशन तो हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ देर हुआ ही, मतलब लगभग हार्डली 5 मिनट हुआ होगा, मैं थोड़ा बीच में वीडियो कट किया हूँ, तो ये देखो लो बैटरी शो करने लगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। हमने इस पर लोड दे रखा है, 2 पंखे हैं और 3 बल्ब जल रहे हैं, LED बल्ब। बस इतने से ही आप देख पा रहे हो लो बैटरी 5 मिनट के अंदर ये लो बैटरी शो करने लगा, जबकि आप देख पा रहे थे बैटरी चार्ज था, क्योंकि चार्जिंग नहीं कर रहा था। तो चार्जिंग नहीं कर रहा था इसका मतलब बैटरी चार्ज है। तो यहाँ आप देख पा रहे लो बैटरी यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये शो कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है बस 2 फैन और 3 बल्ब में, सिर्फ 5 मिनट में। यहाँ देख रहे हो मेन ऑफ है, चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा था तभी। तो इसका मतलब बैटरी चार्ज है। ऐसा तब होता है जब बैटरी चार्ज रहता है। तो हम इसे क्या करते हैं, फिर से इसे ऑन करते हैं। हम मेन को आपको दिखाता हूँ, मेन को ऑन करके देखो, जैसे हमने मेन ऑन किया, देखो बैटरी लो हट गया, मेन का यहाँ पे सिंबल आने लगा और चार्जिंग देखो उसके बाद शो करने लगा। चार्जिंग जो शो करता है कुछ सेकंड के बाद करता है, देख लिया कि चार्जिंग आ गया। तो ये जो देख रहे हो चार्जिंग करने लगा, तो चार्जिंग भी जो है ना, तो मैं ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, सिर्फ 5 मिनट में बैटरी को चार्ज कर देता है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 मिनट में बैटरी को चार्ज कर दे और 5 मिनट में डिस्चार्ज भी हो जाए, वो भी 220 AH का बैटरी, पॉसिबल नहीं है। या तो फॉल्ट इन्वर्टर में है या बैटरी में, उसी चीज़ को हम समझेंगे। देखो अभी कुछ देर में ये देखना कि चार्जिंग जो है ये बंद हो जाएगा। चार्जिंग बंद होने का मतलब होता है कि बैटरी चार्ज हो गया है। अभी देखो चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना बैटरी में है, इन्वर्टर में नहीं है। क्योंकि अगर चार्जिंग इन्वर्टर में प्रॉब्लम होता तो चार्जिंग कुछ भी शो नहीं करता, मतलब ये शो करता ही नहीं। देख रहे हो थोड़ी देर चलने के बाद देखो बंद हो गया चार्जिंग, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये बैटरी को चार्ज करना बंद कर दिया, मतलब बैटरी पूरा चार्ज हो गया। इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है इन्वर्टर में नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर में इको मोड भी शो कर रहा है, लो बैटरी भी शो कर रहा था, चार्जिंग भी शो कर रहा था। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इन्वर्टर में तो या तो मेन का शो नहीं करता या तो चार्जिंग शो नहीं करता, लेकिन शो कर रहा है बट थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बैटरी में है। तो बैटरी क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो बैटरी पूरा डीप डिस्चार्ज हो गया होगा, मतलब वो चार्ज नहीं ले उठा रहा होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले हम चार्ज करेंगे अलग से चार्जर से। तो मैंने एक चार्जर लिया है, उस चार्जर को हमने बैटरी में लगा दिया है, हमने जो इन्वर्टर था उसका कनेक्शन खोल दिया है, ठीक है।
तो आपका भी जब ये प्रॉब्लम आए कि इस तरह से सेम लाइक प्रॉब्लम हो, तो आप पहले बैटरी को चार्ज करोगे किसी चार्जर से, ठीक है, तो पूरा फुल चार्ज कर लोगे। उसे फुल चार्ज करने के बाद देन अगेन आप इन्वर्टर में लगाओगे। तो हम वही कर रहे हैं, 220 AH का बैटरी है, तो इसे चार्ज करने के लिए तो लगभग 25 से 30 घंटे हमें छोड़ने होंगे, और लगभग वही 7-8 एम्पेयर से हम इसे चार्ज करेंगे। तो ये देख रहे हो, ये हमने ऑन कर दिया, और अभी हम इसे सेट करेंगे एम्पेयर पे, एम्पेयर थोड़ा बढ़ाएंगे इस 220 AH के लिए, ताकि फास्टली थोड़ा चार्ज हो पाए। इस चार्जर में उतना लोड नहीं दे पाएंगे, तो हम इसे लगभग 8 एम्पेयर के आसपास से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। तो हमें 30 घंटे इसे चार्ज करना होगा, तो मैं इसे थोड़ा इसका एम्पेयर बढ़ाता हूँ। तो हमने एक बढ़ाया, तो अभी ये शो नहीं किया, आगे बढ़ेगा। देखो ये 4 एम्पेयर पे आ गया, जैसे कि देख पा रहे हो आप। तो इस तरह से हम इसे और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ताकि 8 एम्पेयर के आसपास रखेंगे, और इसे हम लगभग 30 घंटे पूरा फुल्ली चार्ज करेंगे इस बैटरी को। आपको भी इसी तरह चार्ज करना है पूरा बैटरी। पूरा चार्ज करने के बाद क्या है, आप अगेन उसे इन्वर्टर में लगाओगे, बैटरी बैकअप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो उस कंडीशन में नहीं देगा, फिर भी नहीं दे रहा है, तब आपका बैटरी खराब है, तो आपको बैटरी रिप्लेस करवाना है। आपको कस्टमर केयर बात करना है, या फिर जहाँ से परचेस किए उसे बात करना है, और बैटरी को रिप्लेस करना है। बैटरी को चार्ज वो भी करेगा, जहाँ भी आप रिप्लेस करोगे ना, तो वो भी उसको 2 दिन चार्ज करेगा पूरा फुल, जिस तरह मैंने करके दिखाया ना, वो खुद करता है इस तरह से, पूरा चार्ज करता है, और तब देखता है कि बैटरी कम से कम मिनिमम 1 घंटे चलते हैं कि नहीं। अगर बैटरी चार्ज नहीं दे रहा है, देन वो रिप्लेस हो जाएगा, बैटरी में प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।